नमस्कार, आप देख रहे हैं रिजियाना न्यूज में शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिनभर की प्रमुख खबरों की तरफ। सत्ताईस तारीख को एक युवक पटरी पार करते हुए हादसे का शिकार हो गया। युवक का नाम विक्की सोलंकी बताया जा रहा है, जिसकी उम्र महज 16 वर्ष थी। पटरी पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ जाने से विक्की सोलंकी की मौत हो गई। रेलवे पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। बड़े पुल पर कई वर्षों से चलाया जा रहा केदारनाथ भोजनालय में आज लॉयंस क्लब के द्वारा नेत्र चिकित्सालय का आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों के नेत्र परीक्षण भी किए गए, साथ ही उन्हें निशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। इस चिकित्सालय में तकरीबन आधा सैकड़ा से अधिक लोगों ने नेत्र परीक्षण कराए। LIC कॉलोनी में गंदगी की भरमार होने के चलते रहवासियों ने इस बार किया वोट देने का बहिष्कार। बता दें कि वार्ड क्रमांक 31 में LIC कॉलोनी के रहवासी गंदगी से खासे परेशान हैं। वहीं उनका यह भी कहना है कि पार्षद ने जब चुनाव जीता है तब से आज तक वो दोबारा इस वार्ड में नहीं आया है। साथ ही इस वार्ड में साफ सफाई भी मोहल्लेवासी खुद ही कराते हैं। ऐसी गंदगी के चलते दो दिन पूर्व यहां आग भी लग गई थी। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन रहवासी इतने क्रोधित हैं कि इस बार वे किसी के भी वोट मांगने पर उसे वोट नहीं देंगे और साथ ही कॉलोनी में भी नहीं घुसने देंगे। पूरा काम जो भी है वो हम लोग कराते हैं कॉलोनी वाले मिलके, और वोट देने जो भी आज पार्षद जो भी है इसका वो आज तक कभी आया नहीं है। वोट होने के बाद ग्राउंड का काम आधा अधूरा करके छोड़ा है, उसको भी नहीं करा। पार्क का काम अभी यहाँ कचरे में आग वगैरह भी लगी। हाँ, परसों आग लगी थी। फायर विकेट वाले भी आए थे और पुलिस वाले भी आए थे। तभी आगे आपका क्या रहेगा यहाँ पे? यहाँ कुछ नहीं रहेगा। अब हम किसी को वोट मांगने के लिए अंदर आने नहीं देंगे कॉलोनी में। क्या नाम है? अब सभी विभागों का काम करेगी पुलिस की डायल 100। ऐसा ही एक मामला देखने में सामने आया जब टेलीफोन एक्सचेंज के सामने स्थित कॉलोनी में एक खंभे में भीषण आग लग गई थी। रहवासियों ने विद्युत विभाग में फोन किया, लेकिन उन्होंने यह कहकर फोन काट दिया कि इसकी शिकायत भोपाल में की जाए। वहीं जब भोपाल में फोन किया तो वहां से भी कोई रिस्पांस ना मिलने के चलते रहवासियों ने डायल 100 को फोन लगाया। तत्काल में ही डायल 100 मौके पर पहुंच गई। हालांकि वहां कोई बड़ा हादसा घटित नहीं हुआ, लेकिन कहा जा सकता है कि जब भी कहीं जरूरत हो तो डायल 100 वहां पहुंच जाएगी। हालांकि सवाल यह भी उठता है कि जब इतना पैसा मेंटेनेंस के नाम से विद्युत विभाग लेता है तो जब इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं उसमें टालम टोल का रवैया क्यों अपनाया जाता है? कॉल्स किए तो किसी ने ढंग से रिस्पॉन्स नहीं दिया और किसी ने भी हमारी कंप्लेंट फर्स्ट टाइम में तो लिखी है। बोले कि ये गलत नंबर है, मतलब आप MPP से बात करो। बोले हाँ, पर आप ऐसे कितने नंबरों पे कॉल करोगे? दूसरे पे लगाओ, मैं नहीं करूँगा। तो ये आए दिन होता रहता है? आए दिन MPP की तो कंप्लेंट आए दिन की है, कभी भी फोन लग। लगातार सामने आ रहे डेंगू के मरीजों के बाद आखिरकार जिला प्रशासन का मलेरिया विभाग जाग गया, जिसके चलते आज कई कॉलोनियों में इनकी टीम ने सर्वे भी किया। सर्वे अभियान के अंतर्गत यह देखा गया कि कहां पर लार्वा मिल रहा है या नहीं।
वहीं जिस जगह पे लार्वा मिल रहा था वहीं पर दवा का छिड़काव भी किया गया। हालांकि दवा के छिड़काव के नाम पर यहां पर केवल केरोसिन का ही छिड़काव किया गया है। यदि जिला प्रशासन पहले ही इतना मुस्तैद हो जाता तो इस तरह से जैसे डेंगू ने पैर पसारे हैं वह नहीं हो पाता और कई लोग डेंगू के शिकार होने से बच भी सकते थे। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद जिले का पुलिस बल सर्च अभियान में जुट गया है। इसी कड़ी में गुना आ रहे सभी वाहनों का परीक्षण किया जा रहा है, जिसके साथ उनके सामान को खुलवा कर भी देखा जा रहा है। वहीं ये भी देखा जा रहा है कि उनमें ऐसी कोई चीज तो नहीं जो चुनावों को प्रभावित कर सके। इसी कड़ी में शहर के दोनों कोनों पर पुलिस बल तैनात रहता है और आने जाने वाली हर वाहन को चेकिंग की जा रही है ताकि उसमें कोई ऐसा सामग्री ना मिल जाए जिससे चुनावों को किसी भी तरह से प्रभावित किया जाए। छह वर्ष के मासूम की इलाज के दौरान हुई मौत। वहीं परिजनों ने लगाए जिला चिकित्सालय पर गंभीर आरोप। कुछ दिन पूर्व 6 वर्षीय एक मासूम बच्चे को गले में दर्द होने की शिकायत के बाद जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसका निमोनिया का इलाज शुरू किया। परिजन लाख चिल्लाते रहे कि उसको निमोनिया नहीं है तो उसका इलाज ना करें, लेकिन डॉक्टर थे कि सुनने को तैयार ही नहीं। वहीं परिजनों के मुताबिक जब हालत गंभीर हो गई तो डॉक्टरों ने आज सुबह उसे भोपाल रेफर कर दिया। भोपाल रेफर करने के बाद जैसे यहां से लेके जाने लगे तभी बच्चे की मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिजनों ने इसका पूरा आरोप जिला चिकित्सालय पर लगाया है। वहीं परिजनों ने कहा है कि यदि डॉक्टर समय पर इलाज करते और सही इलाज करते तो बच्चे की जान नहीं जाती। कहाँ से आया आप? कहाँ से आया आप? अपन तो पुराने साल नहीं है कटिंग मतलब गुना। अच्छा, तो मुझे मतलब भर्ती कब से था? 3 दिन पढ़ते, 3 दिन हुए। शिकायत थी गले की, शिकायत थी कोई अच्छा वाला बच्चा था, वो बोतल लगा रखा है कि निमोनिया की, निमोनिया था नहीं।
ग्राम मुकावत में सोयाबीन की चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिस समय चोरी हुई उस समय घर में कोई भी नहीं था। चोर छत के रास्ते से अंदर घुसे और तकरीबन 5 क्विंटल सोयाबीन चुरा कर ले गए। वहीं शिकायत करने पर एक पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गया, जिसने वहां पर शिनाख्त की, जिसने दबी जुबान में यह भी कहा कि यह काम जुआ सट्टा या फिर शराब या स्मैक के नशे करने वाले किसी व्यक्ति का काम है। अब देखने लायक होगा कि कितनी जल्दी पुलिस इस चोरी का खुलासा कर सकती है। ऊपर पीछे से बना ले या भीतर की जगह टूट रहे हैं कलाम बार सब बना ले या तो फिर दंड फंद वालेंगे भैया और का दंड दंड फंद वाले बहन जो हार हो गई आओ दंड फंद को सब बंद कर लेते हार को भी मैं कहा तो बोला। भारतीय जनता युवा मोर्चा में आयोजित किया युवा टाउन हॉल कार्यक्रम। गुना जिले की चारों विधानसभा में मध्य प्रदेश के युवाओं को अपने भविष्य के मध्य प्रदेश बनाने के सपने में मध्य प्रदेश के निर्माण में अपने सुझाव देने हेतु कैसा होगा मेरा मध्य प्रदेश विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए नव मतदाता युवा टाउन हॉल नामक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा युवाओं को समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने के लिए अपने विचार व्यक्त किए एवं कहा कि युवाओं को रोजगार हेतु उद्योग स्थापित किए जाएंगे, हर साल 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे। वहीं बबौली के कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राधेश्याम पारेख, भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष सुशील दहीफले, भाजपा जिला मंत्री ऋषि अग्रवाल, विस्तारक दिलीप राठौर एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा बमोली मंडल के समस्त पदाधिकारी एवं समस्त नव मतदाता उपस्थित रहे। बेटा बेटी हो कैसा मध्य प्रदेश हमको मिला था तुम्हें पता है? बिजली की हालत क्या थी? 2 घंटे 3 घंटे ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे ये भोपाल की सड़कों पे गर्मी के दिनों में जब रात रात भर बिजली नहीं रहती थी तो नौजवान लुंगी लपेट के बनियान पहन के सड़े रहता था। रात को 11 बजे दूसरे दिन पेपर पुलिस आई दरवाजा खटखटाए, हमने दरवाजा खोला तो 5-7 पुलिस वाले मुझे दिखे। मैं समझ गया कि माजरा क्या है। आपने मेरे लोगों ने कहा तू ही शिवराज सिंह तो आगे मैं कहा हाँ हूं तो मैं तू इंदिरा गांधी के खिलाफ हमारे थाना क्षेत्र में अभियान चलाएगा तो मैंने कहा कल पेपर है थोड़ा बहुत बदलो। बेटा नहीं मैंने कोई आंदोलन नहीं चलाया। ये भारतीय जनता युवा मोर्चे के द्वारा युवा टाउन हॉल कार्यक्रम करके एक पार्टी ने रखा था। ये पूरे प्रदेश की 230 विधानसभाओं में हुआ। इसी प्रकार से सब युवाओं को एकत्रित करके हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने अपने जीवन के अनुभव सुनाते हुए युवाओं को उत्साहित करते हुए युवाओं के लिए जो योजना मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है, रोजगार संबंधित, खेलकूद संबंधित, शिक्षा संबंधित, व्यवसाय संबंधित, उन सब बातों की जानकारी दी और ये मार्गदर्शन किया कि किस प्रकार से युवा 2003 में जब मध्य प्रदेश की सरकार कांग्रेस की थी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है उसने जो विकास के काम किए हैं बिजली पानी सड़क सिंचाई इत्यादि क्षेत्रों में उन सबका वृत्त उन्होंने जनता के सामने रखा और युवाओं से अपेक्षा की है कि इस नई सरकार को आने वाली सरकार को अपनी समृद्धि के लिए सुझाव देते हुए भारतीय जनता पार्टी को युवा मजबूत करें। जो 2001 में पैदा हुआ है वो युवा 2018 में पहली बार मतदान करेगा उन सबसे विनम्र अपील है कि भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पर मोहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए, समृद्ध बनाए मध्य प्रदेश को। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। इसी कड़ी में चाचोड़ा में भी नव मतदाता युवा टाउन हॉल का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी 230 विधानसभाओं में नव मतदाता टाउन हॉल का कार्यक्रम आयोजित किया।
वहीं इस दौरान चाचोड़ा विधानसभा में नव मतदाता युवा टाउन हॉल का कार्यक्रम भी रखा गया। चाचोड़ा विधायक ममता मीना के साथ मंडल अध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह राजपूत एवं अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और मंडल अध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह ने इस कार्यक्रम में युवाओं को मतदान करने के बारे में भी बताया। साथ ही कहा कि आप किसी भी दल को मतदान करें, लेकिन मतदान अवश्य करें क्योंकि प्रत्येक मत बहुत ही जरूरी है। वहीं युवा ही इस देश के भविष्य हैं और अब की बार भी जो भी सरकार बनेगी वे युवाओं के मतों से ही बनेगी। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लाइव प्रोग्राम भी दर्शाया गया। एक राज्य 230 विधानसभा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के युवाओं को संदेश देना चाहते हैं और इतनी सीधा प्रसारण करके हमने जो नव मतदाता है अधिक से अधिक वोट करें, वो किसी भी दल के लिए करें वो किसी नहीं है, लेकिन अधिक से अधिक अपना जो वोट है वो देश के लिए अच्छे सोच समझ कर दें। नव मतदाताओं के लिए हमने जो नए जो मतदाता सूची में जो नाम जोड़े गए हैं उन लोगों को हमने बुलाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा प्रसारण टीवी लगाकर उनको सीधा संवाद उनका माननीय मुख्यमंत्री जी से कराया है और इसी कार्यक्रम में आज कार्यक्रम को जो नाम दिया गया है वो युवा टाउन हॉल के नाम से हमने जो नाम पूरे मध्य प्रदेश से हमें भारतीय जनता पार्टी से प्रोग्राम आया था वो हमने संपन्न कराया। आज जिस प्रकार युवाओं की एकता देखी गई इससे आपको क्या लगता है? नहीं, युवाओं का रुझान हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी और शिवराज जी की तरफ हमेशा से रहा है और आने वाले समय भी हमें पूरा विश्वास है युवा जो सोच है युवा जो नवमतदाता है भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी सहभागिता प्रदान करेगा। चाचोड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। जो समर्थन मूल्य वो पहले दिया। डीजियाना में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।